करना है। तो ठीक है ना। सो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे आज। क्यों भाई केमिकल बॉन्डिंग है समझ रहे हो ना भाई? एक्स है और ये वाई है, ये बॉन्ड क्यों बनाएंगे बताओ? क्यों बनाएंगे? मान लो ये लड़का है, ये क्या है और ये क्या है? मुर्गी। मौसी थोड़ी ना। ये देखो अब ये बॉन्ड का क्यों फ्रेंड्स बनेंगे बताओ? फ्रेंड्स क्यों बनेंगे? ठीक है क्यों?
सो ये चीज हो गई। अब केमिकल बॉन्ड जो है तीन तरह से हो सकते हैं, है ना। केमिकल बॉन्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। केमिकल बॉन्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज बताओ? पहले बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, है ना। क्यों भाई? पहला स्ट्रॉन्ग, वीक और इंटरमीडिएट, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। पहला है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक है इंटरमीडिएट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड और क्या इंटरमीडिएट। सो जो स्ट्रॉन्गर है वो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर, मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर हो रहा है। और इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन टू बॉन्ड जो होते हैं जनरली वीकर होते हैं, ठीक है ना। तो भाई क्लियर। और लास्ट क्या है? इंटरमीडिएट, मतलब जैसे मेटलिक बॉन्ड्स होते हैं, मेटलिक सॉलिड्स में जो मेटलिक बॉन्ड्स होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है, बीच में कहीं होती है, तो स्ट्रॉन्ग तब होते हैं। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ कौन से होते हैं? मेटलिक बॉन्ड, जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, है ना। नंबर ऑफ जितने वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मेटलिक बॉन्ड, ठीक है। जितने वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, है ना, उसमें क्या होगा? उतने ही मेटलिक बॉन्ड होगी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो मैंने लिखे, कहा लिखे हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये इंट्रा, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक या कोवेलेंट, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में इंटर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड हो सकते हैं जो कि आयनिक या कोवेलेंट हो सकते हैं, तो ये याद रखना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जब भी इस चैप्टर में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, है ना, तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक सिंगल, जैसे एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वाई ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, है ना, तो क्या बनेगा? एक्स सिंगल बॉन्ड वाई। अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हो रहे हैं तो एक्स डबल बॉन्ड वाई, है ना। अगर ऐसे और ऐसे तीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं पेयर, मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे दिखाओगे ये डबल बॉन्ड की शेयरिंग, ये क्या हो गया? तीनों बॉन्ड। इजी है? ठीक है, तो भाई समझ में आ गया। तो हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं स्पेशली, है ना, कौन से? उनके ऊपर कुछ थ्योरीज बेस्ड होती है, उनके ऊपर कुछ। तो पहली थ्योरी जो बेस्ड है कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर वो लुईस ऑक्टेट थ्योरी है, कॉजल एंड लुईस ऑक्टेट थ्योरी, है ना, कॉजल एंड लुईस ऑक्टेट थ्योरी। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर वेस्पर थ्योरी और लास्ट में एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बस अभी डिटेल में नहीं जा रहे, बस ब्रॉडली बता रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ थ्योरीज पढ़नी होती है, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की कुछ थ्योरीज है। ये भाई क्लियर है ना? तो डीबीटी मतलब क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी वो लिखवाएंगे ना बाद में, अभी शॉर्ट में लिखो। ये ओवरव्यू दिया है ना, फ्लो चार्ट टाइप है। अब आ जाओ एंटर करते हैं एंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या भाई बोलो, कौन सी कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड पर बोलते आयनिक और एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्या आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग, हाँ या ना? और कौन सा पढ़ना है आपने को? कोऑर्डिनेट और नेटिव बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट और
डेटिव बॉन्डिंग, और फोर्थ है और भी टाइप के हो सकते हैं, मेटलिक बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, है ना, मेटलिक बॉन्डिंग है और अदर अदर टाइप्स, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बहुत से होते हैं, बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे कुछ से, लेकिन ये ब्रॉडली अपने को ये पता होना चाहिए। इनमें से भी ज्यादातर ये जो आपकी एनसीईआरटी बेस पे बात करें तो ये दोनों और ये ज्यादा है इस चैप्टर में, 11th क्लास में, ये 12th क्लास में आप एनकाउंटर करते हो ज्यादा आपको कहाँ पे, 12th में, और ये तीन जो आपको 11th क्लास की उसमें आता है ना, हम सब डिस्कशन सबका कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो तुमने 10th में वगैरह में पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड कब बनता है, शॉर्ट में पहले समझ लो, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, एक एटम से दूसरे एटम से, है ना, एक्स है इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसके पास कितने, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसको, तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है ना, क्यों, क्योंकि ये x प्लस हो जाएगा और इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये पढ़ा था ना तब। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मान लो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और y के पास भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये बोलेगा अगर हम शेयर कर ले दोनों को 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, 10th तो पढ़े थे ना ऑक्टेट, अभी फिर से आएगा, तो ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गया और इसके पास भी 8 हो गए, तो दोनों खुश हो गए कि नहीं, तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों शेयर करने में खुश हो, और ये क्या है बताओ, ये बोलेगा भाई तुम ले लो यार, ये हाँ ये शेयर करना नहीं चाहिए, ये शेयर करने को भी रेडी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर करने, क्योंकि ये शेयर करेगा तो इसके पास तब भी 8 हो जाएगी, इसको दिक्कत है शेयर करने, बोलेगा भाई ले ले, आयनिक बॉन्ड समझ में कब बनेगा, क्लियर हो गया, ये ऊपर ऊपर बता दिया, अभी हम एंटर करेंगे डिटेल में, अभी हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट ओवरव्यू चल रहा है ब्रीफ। अब देखो अब एंटर करते हैं कुछ थ्योरीज पे, कौन सी थ्योरी, कॉसल एंड लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, हेडिंग डाल लो कॉसल लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या ऑक्टेट थ्योरी, है ना, ऑक्टेट थ्योरी हेडिंग डाल लो, ठीक है हेडिंग डाल दे जरा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं। तो लुईस का जो ऑक्टेट थ्योरी है ये बता दे, ये तो लिखिए, ये तो बस समझाने के लिए था, अब इसमें हमें क्या क्या बात होना चाहिए लिख लो, एटम्स अंडरगो, इस थ्योरी के हिसाब से देखो पॉइंट्स क्या है, एटम्स अंडरगो बॉन्डिंग बाय यूजिंग गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in order to attain octet in their outmost orbit, octet in their outermost orbit, है ना, तो ये थ्योरी क्या कह रही है बताओ, कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, पहली बार स्टेबल होने के लिए, वो तो पता ही अपने को, और ये थ्योरी क्या कह रही है, जब वो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, लूज करके इलेक्ट्रॉन या गेन करके इलेक्ट्रॉन या शेयर करके, है ना, तीन चीजें हो सकती है ना भाई, कोई गेन करेगा और कोई लूज करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, है ना, और शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्यों होगा, ये कब तक होगा ये ट्रांसफर या शेयरिंग, टू अटेन ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब वैलेंस शेल में कितने आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना,
जैसे इधर देखो सोडियम है, ध्यान देना सोडियम के आप क्या लिखते थे, 281 लिखते थे, तो 1 जो ये है ये यहाँ डॉट बनाया है, या क्रॉस बना दो तुम, चलो क्रॉस, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया सोडियम का। सीएल के पास क्या लिखते थे, 287 लिखते थे, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ सीएल को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक मिल जाए तो 8 हो जाए, और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो 8 हो जाए यहाँ पे, और ये बोल रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ पे 8 हो जाए, 8 ऑक्टेट हो जाए ना सेटिस्फाई। अब इस ये अगर मालूम है ऐसे बनाता, शेयरिंग करवा देता तो क्या प्रॉब्लम होती, तो सोडियम हो जाता 282 और ये हो जाता 288, तो खुश कौन हुआ, ये बट ये तो दुखी हो गया ना, इसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम पे ऑक्टेट रूल नहीं लागू हो रहा, फेल हो रहा, इसलिए इस तरह से बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है ना, ये तो क्या बना दिया हमने, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या सोडियम क्लोराइड में, नहीं, कौन सा बॉन्ड होता है आयनिक, क्यों नहीं कोवेलेंट होता समझ में आया, क्योंकि एक रेडी है शेयर करने के लिए पर दूसरा रेडी नहीं है, समझ रहे हो कंसेंट की बात, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो क्या होगा, अब ए सुन इधर, अब ये 281 से अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 दे दे तो क्या बन जाएगा, 28, तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, आप देखो कैसा दिखेगा, सोडियम पे क्या चार्ज चढ़ेगा, प्लस 1, और सीएल पे क्या आ गया, एक तो खुद का था और एक बाहर से आया कि नहीं, तो अब देखो सीएल पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो उस पे नेगेटिव चढ़ा कि नहीं, तो ये बन गया क्या आयनिक बॉन्ड, दिख रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ, सोडियम पे प्लस 1 चढ़ा और सीएल पे माइनस 1, आयनिक बॉन्ड बना ना भाई, मतलब ये आयनिक बना, मतलब एक पॉजिटिव स्फीयर बना और एक नेगेटिव स्फीयर बना, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आया ना, इसको बोलेंगे कूलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है और सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे, खैर इसको अभी भूल जाओ, तुम पहले यहां आओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब देखो यहां पे सुनो, इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, या एक बार इजी ले लेते हैं, HCl बना लेते हैं, H को बताओ कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, H के भाई H बेचारा ऐसा है 1 है बस, इसको 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकते, बहुत एनर्जी लगेगी, 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते, तो क्या करोगे, इसको ये बोलेगा मुझे ड्यूप्लेट सेटिस्फाई करना है, क्या हाइड्रोजन हीलियम इस टाइप के जो छोटे छोटे होते हैं ना एंड सो ऑन, ये क्या चाहते हैं बोलो, ड्यूप्लेट, क्लियर, मतलब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो खुश हो जाते हैं, बाकी सब क्या चाहते हैं, बात नहीं करो, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो बताओ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और सीएल के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे शेयरिंग अगर हो जाए तो क्या दोनों खुश हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या मिल जाएगा, 2 1 था और एक और मिल गया 2, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और सीएल तो खुश हो गया, इसको यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ कैसा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ आयनिक बॉन्ड बन रहा था और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्लियर हुआ, क्यों बनता है आयनिक और कोवेलेंट, ये कैसा बॉन्ड था आयनिक, है ना, क्लियर हुआ, तो इसी को बुक्स में ऐसे बना देंगे, सर्किल ऑर्किड तो ऐसा बनाते हैं ना सर्किल वाला, तो एच और एक सीएल का बनाएंगे स्फीयर, है सीएल थोड़ा बड़ा बना रहा, ठीक है, और एच में और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ पे एच का इलेक्ट्रॉन देखो ये और सीएल का इलेक्ट्रॉन इधर बनाया, और सीएल के बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया कि नहीं, कितने बच गए, 6, अबे जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिए, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते इनको लोन पेयर कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, बॉन्ड बनने के बाद नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग आफ्टर द बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड, आफ्टर बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड, तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हो गए वो क्या बन जाएंगे, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर बोलोगे, है ना, क्योंकि 2 के है ना, कितने लोन पेयर है सीएल के पास, 3, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन मींस 3 लोन पेयर, है ना, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर मींस 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, याद रखना 1 लोन पेयर का मतलब 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर, अब समझो, तो यहां पे लोन पेयर बचा हाइड्रोजन का नहीं, तो हाइड्रोजन खुश है कि नहीं, 1 और 2 दोनों मिले, और ये सीएल भी खुश है, 8 हो गया, है ना, पक्का शेयरिंग हो गया ना यहां पे, अब देखो ध्यान दो, अब 1 लोन पेयर 2 नॉन बॉन्ड, अच्छा बताओ बॉन्ड पेयर क्या होता है, 1 बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग,
इलेक्ट्रॉन पे टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। मतलब बॉन्ड बना रहे हैं जो, एक्चुअली बताओ यहाँ कितने बॉन्ड पेयर है HCl में, दो, मतलब एक बॉन्ड पेयर मतलब इसके इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, बॉन्ड में तो दो ही इलेक्ट्रॉन गए ना, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर थे इधर में, HCl में कितने बॉन्ड पेयर है, वन है ना, HCl के अंदर एक बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है, तीन, तीन लोन पेयर है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, और दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन के वो क्या कहना है, बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, दो, मतलब एक पेयर हुआ तो बॉन्ड पेयर, और कितने नहीं गए, छह, मतलब तीन लोन पेयर है ना, ये क्लियर हो गया, ये पता होना चाहिए, तो ये नोट कर लो जल्दी से फिर हम आगे बढ़े, तो ये कॉजल ल्यूस अप्रोच से ये सारी बातें पता चल रही थी है ना, डायग्राम वगैरह बना पा रहे थे, इसको बोलते हैं लुईस डॉट डायग्राम या लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स है ना। लिखो ये तब तक मैं आगे का लिख रहा हूं, ठीक है, अब एडवांटेज देख लो इस थ्योरी का, ये थ्योरी यूजफुल है कहां पे, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बोला, अरे बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पा रही थी, एंड अप्लाइज मेनली टू द सेकंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियड टेबल में कौन सा पीरियड के लिए जाता है, सेकंड, मतलब लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके लिए काफी यूजफुल थी और काफी काम कर रही थी इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, कौन सी है थ्योरी, कॉजल ल्यूस थ्योरी, इसका एडवांटेज बता दिया, अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस की, PF5 में देखो, इधर देखो PF5 में फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर देखो,
मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए ना फास्फोरस के पास, फिर भी स्टेबल है। 8 होने चाहिए थे ना ऑक्टेट के लिए, पर 10 हो गए, तो हाइपर वैलेंसी है ना, सुपर ऑक्टेट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, मतलब या ऐसे बोले थर्ड पीरियड के है ना, उनमें डी ऑर्बिटल भी आ जाता है। क्या आ जाता है? डी। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर के एटम से अकोमोडेट कर लेता है अपने डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। कुछ डी ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं, इसके पास खाली पड़े होंगे, उसने बोला चल भाई तू एक्स्ट्रा बॉन्ड बना ले, है ना। उसने अपने ऑक्टेट को क्या किया, एक्सपैंड किया, इसलिए एक्सपैंडेड ऑक्टेट बोल देते हैं, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या हमें ये पता चल रहा है कौन स्टेबल है कौन नहीं? नहीं, इस थ्योरी से हमें ये तो ना पता चल रहा, ये तो बस बोल रहा है भैया ऐसे बना दो डायग्राम ऐसा, है ना, ये तो ना बता रहा स्टेबल कौन है। डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी, टोटल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, समझ रहे हो, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो ये सारी बातें नहीं बता रहा था, ये समझ में आया। तो ये नोट कर लो, और देखो और क्या प्रॉब्लम थी इस थ्योरी में, और देखो इसमें 3 ड्रॉबैक बताया, चौथी ड्रॉबैक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट थ्योरम रूल इज नॉट सेटिस्फाइड, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं ना, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे NO, एग्जांपल क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के, NO, ClO2, ये दोनों क्या है, स्टेबल है ना, ClO3। तो ये याद रखना, समझ में आया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। जैसे NO का स्ट्रक्चर देखो, NO का अगर स्ट्रक्चर देखे तो N के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, NO, क्यों भाई, हाँ याद रखना। NO2 का स्ट्रक्चर अगर पूछे, NO2 क्या होता है, O यहाँ पे लोन पर देख रहा हो, और इधर पे भी एक लोन पर है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पे डॉट और प्लस, याद रखना, और यहाँ पे भी एक लोन पर है। तो ये स्ट्रक्चर NO2 का है, ठीक है। ClO2, ClO3 ये सब क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, अरे यहाँ पे समझ रहे हो, फिर भी ये स्टेबल होते हैं, क्यों भाई, समझ में आया। जबकि इवन नंबर वाले और ऊपर से ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वो स्टेबल होने चाहिए। तो ये थ्योरी नहीं समझा पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। और सम नोबल गैसेस फॉर्म कंपाउंड्स, इवन दो उनको ऑक्टेट कंप्लीट है। नोबल गैसेस का क्या होता है, जनरली ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना मोस्ट ऑफ द नोबल गैसेस, सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे नोबल गैसेस में, हीलियम के छोड़ के, तो वो सारे स्टेबल होने चाहिए। तो क्या वो कंपाउंड बनाने चाहिए उनको, नहीं, फिर भी बनाते हैं कुछ, कौन कौन से, स्पेशली क्रिप्टन और ज़ीनॉन जो है ना, ये कंपाउंड बनाते हैं, उसमें भी ज़ीनॉन ज्यादा बनाता है, XeF2 है ना, XeO3। तो ये सब कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं इनर्ट गैस के, ये नहीं समझा पा रही थी थ्योरी, समझ, नहीं बनने चाहिए ना नोबल गैस के कंपाउंड, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं नोबल गैसेस, उनके कंपाउंड क्यों बन रहे हैं वो नहीं समझा पा रही थी, ठीक है। क्रिप्टन का एक लो KrF2, तो ये सब कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये इस थ्योरी के हिसाब से नहीं पता चल रहा था। और ये थ्योरी क्या नहीं बता पा रही थी, यहां पे मिटा देना जरा, क्या इस थ्योरी से अपने को एग्जैक्ट शेप पता चल रहा है मॉलिक्यूल का, नहीं, तो अब शेप, एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल को भी नहीं एक्सप्लेन कर रही थी, could not be explained, मतलब वो नहीं बता पा रहे थे क्या शेप होगा मॉलिक्यूल का, और अगर होगा भी कोई मॉलिक्यूल जिसका शेप पता भी था तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ऐसा क्यों शेप है, समझ रहे हो। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता पा रही थी ये थ्योरी, तो ये थ्योरी के काफी ड्रॉबैक भी थे, फायदा ये था कि बता चुके हैं यहाँ पे, है ना, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन भी कर रही थी, लेकिन सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को ज्यादा एक्सप्लेन कर रही थी, और ये ड्रॉबैक्स नुकसान थे। तो हमें क्या साइंटिस्ट को एक नीड थी ना, यानी कि ये जो थ्योरी थी है ना कॉजल लुईस ऑक्टेट, क्या ये इतनी इफेक्टिव थ्योरी है, तो अब नीड पड़ी नेक्स्ट थ्योरी की,
कौन सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ेंगे, अब थोड़ी देर में पढ़ेंगे आयनिक आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ेंगे, कोवेलेंट पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे जाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करो इसका क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम आयनिक करेंगे।